सचिन पायलट ने सुलह की खबरों पर कहा है कि समझौते के लिए मैंने कोई भी शर्त नहीं रखी है। कुछ देर पहले खबर आई थी कि कुछ शर्त वो रख रहे थे, गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, इसी के साथ उन्हें अध्यक्ष बरकरार रखा जाए राजस्थान सरकार प्रदेश में, लेकिन इन सब के बीच उनका खंडन आया। इस बीच आपको बता दें, जयपुर होटल में रखे गए हैं कांग्रेस के एमएलए, और ये वही होटल है जिस पर आयकर का छापा अभी भी चल रहा है। लगभग सुबह से ही अलग अलग जगहों पर यह छापेमारी हो रही थी। बताया जाता है इस होटल का मालिक वैभव गहलोत के दोस्त हैं। क्या कुछ वहां पर चल रहा है, बहस की शुरुआत के पहले जल्दी से आपको लिए चलते हैं। शरद हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शरद, वैभव गहलोत के दोस्त का होटल, इस होटल पर लगातार घंटों से आयकर की छापेमारी, इसी होटल में तमाम विधायक और अशोक गहलोत भी हैं, क्या चल रहा है वहां? देखिए, अशोक गहलोत के लिए सबसे सुरक्षित होटल है तो यही है। हमने कैमरामैन से कहेंगे दिखाएं किस तरह से किला नुमा होटल है, जिसके बारे में वो अगर जूम करें हमारे कैमरामैन तो आपको खिड़कियों से विधायक दिख रहे हैं। ये विधायक जो आ रहे हैं बाहर का नजारा देख रहे हैं और अंदर जा रहे हैं। इन कमरों में कहा जा रहा है कांग्रेस की तरफ से कि 102 विधायक हैं, लेकिन सचिन पायलट का गुट अभी भी दावा कर रहा है कि हमारे पास 30 के आसपास संख्या है, गहलोत सरकार अल्पमत में है। अब सचिन पायलट ये कैसे दावा कर रहे हैं, कितने विधायक हैं और नाम का खुलासा नहीं कर रहे हैं, लेकिन लगातार वो कह रहे हैं कि हमारे पास सरकार गिराने की संख्या है। यहाँ पर 102 विधायकों को लाकर रखा गया, अब यहाँ से क्या होगा? अब इंतजार कर रहे हैं कि या तो सचिन पायलट के साथ के विधायक यहाँ आ जाए, या फिर यहाँ पर अगर इनके पास 102 की संख्या वाकई है तो राज्यपाल के सामने परेड करेंगे, राज्यपाल से कहेंगे कि हम बहुमत साबित करना चाहते हैं। क्योंकि एक बात तो सचिन पायलट ने साफ कर दिया अंजना, कोई बातचीत नहीं चल रही है किसी भी आलाकमान से। पुलिस वाले भी दिख रहे हैं शरद, जूम इन करने पर पुलिस वाले भी दिख रहे हैं, मतलब सुरक्षा के हर बंदोबस्त किए गए हैं, ये बताता है कि पिक्चर अभी बाकी है। जी, आपको मीनारों के अंदर पुलिस वाले दिख जाएंगे, कमरों के अंदर विधायक दिख जाएंगे, ये चप्पे चप्पे पर पूरी तरह से पुलिस का पारा, जिस तरह से विधायकों के एक एक विधायक को यहाँ पर दो दो पुलिस की गाड़ियां लेकर आई है, तो समझा जा सकता है अंजना की किस तरह से यहाँ पर पुलिस सुरक्षा में विधायकों को लाया गया। अब सवाल उठता है कि जब इस तरह सुरक्षा में विधायकों को लाया गया है तो सरकार कब तक बचेगी, कब तक एक एक विधायक के पीछे पुलिस वाले खड़े रहेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। कि अब अशोक गहलोत दावा कर रहे हैं अगर बहुमत में है और इस तरह से पुलिस के साये में विधायकों को रखना पड़ रहा है तो इसका मतलब गड़बड़ है सब कुछ। अभी अशोक गहलोत जो तस्वीरें दिखा रहे थे मुख्यमंत्री निवास के अंदर, वो एक अर्ध सत्य अभी तक सामने आया है। सचिन पायलट जब तक सामने नहीं आते हैं, उनके पास कितने विधायक हैं, तस्वीरें साफ नहीं होने जा रही है। कांग्रेस सरकार पर एक संकट बना हुआ है और अब अशोक गहलोत की पूरा दारोमदार यह है कि सचिन पायलट का अगला मूव क्या है, क्या वो बीजेपी के साथ जाते हैं, अगर बीजेपी के साथ जाते हैं तो कौन मुख्यमंत्री बनता है, अगर वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री नहीं बनेगी तो वसुंधरा राजे मेरे साथ आएंगी, क्योंकि वो किसी और को मुख्यमंत्री बर्दाश्त नहीं करेंगी बीजेपी में। तो ये आज जो कहानी शुरू हुई है अंजना, ये लंबी जाएगी, ये कल खत्म नहीं होने वाली है। मोर्चा खोल दिए हैं सचिन पायलट, अब उनके मुंह खोलने पर सब कुछ डिपेंड करता है। वो जब मुंह खोलेंगे और राज्यपाल को कहेंगे कि हम समर्थन वापस लेते हैं, तभी राज्यपाल कहेंगे कि फ्लोर पे आप टेस्ट कराइए। अमित मालवीय भले ही ट्वीट कर रहे हैं कि कांग्रेस समर्थन साबित करे, लेकिन पहले सचिन पायलट को समर्थन वापसी की चिट्ठी राज्यपाल को देनी पड़ेगी और तभी राज्यपाल कहेंगे कि आप अपना समर्थन दिखाइए। यानी अब सचिन पायलट के पाले में गेंद डालकर यहाँ चैन की नींद सोने के लिए 5-स्टार होटल में कांग्रेसी आ गए हैं। अब सचिन पायलट को आगे का पत्ता चल रहा है, मुझे दिखाना है कि कितने स्ट्रेंथ है, क्या करेंगे अगर समर्थन वापस लेते हैं तो, क्या बीजेपी के साथ जाएंगे, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, ठीक है, या सरकार गिरा के चुनाव कराने के मूड में है। अभी वो कह रहे हैं मैं बीजेपी में नहीं जा रहा हूँ, ये पक्का है।